हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज हम बात करेंगे खून की कमी के बारे में कि आजकल की जो है लोगों को खून की कमी की ज़्यादा समस्या है। ज़्यादातर उन महिलाओं को जो कि गर्भवती होती हैं उन्हें खून की कमी हो जाती है और पुरुषों में भी ये कमी देखी जाती है। तो दोस्तों करने के लिए हम आज एक इंजेक्शन लेकर आए हैं जिसका नाम है फेरो फास्ट इंजेक्शन। आप देख सकते हैं फेरो फास्ट इंजेक्शन जो है ये एलकेम कंपनी द्वारा बनाया जाता है। इसके अंदर आयरन सक्रोस होता है और ये जो है सिंगल एक ही एम्पुल बहुत ही अच्छा इंजेक्शन होता है दोस्तों, ये जो कि रेड कलर के कार्टन में आपको मिल जाएगा मार्केट के अंदर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके जो है कंटेंट के बारे में कि इसके अंदर क्या क्या कंटेंट होता है। तो दोस्तों इसके अंदर जो होता है फेरिक हाइड्रोक्साइड होता है और सुक्रोज होता है इसके अंदर 100 mg इस पूरे एम्पुल के अंदर। और दोस्तों ये इंजेक्शन जो होता है खून को कमी को पूरा करने का बहुत अच्छा इंजेक्शन होता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इस इंजेक्शन को हम निकाल लेते हैं बाहर और हम आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से जो है दिखता है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं ये हम इसको बाहर निकालते हैं, थोड़ा होल्ड कीजिए। ये आप देख सकते हैं इस तरह का ये एक रेव अंदर इसके एक बॉक्स और निकलता है। इसके अंदर ये सिंगल इंजेक्शन होता है जो रेड कलर का छोटा सा एम्पुल है, आप देख पा रहे होंगे ये छोटा सा एम्पुल होता है जिसके अंदर आयरन सुक्रोज होता है। दोस्तों ये जो होता है खून की कमी को दूर करने में काम आता है जब जो है महिलाओं के अंदर खून की कमी हो जाती है, जब इसे जो है बड़े से बड़े डॉक्टर इसको रिकमेंड करते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसको लगाने के तरीके के बारे में कि किसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जब भी महिलाओं के अंदर या पुरुषों के अंदर खून की कमी होती है, अनीमिया होता है, तो इसको डायरेक्ट हम आई वी नहीं लगाते। इसको हम जो है एक एनएस बोतल एनएस जो ड्रिप आती है उसके अंदर डालने के बाद ये पूरा एम्पुल बहुत स्लो लगाया जाता है। पूरी एक ड्रिप में जो है पूरा डाल दिया जाता है, उसको स्लो स्लो मतलब बहुत ही हल्के लगाया जाता है जिससे जो है हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है, खून बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो दोस्तों वैसे तो इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन इसको जब भी आप इस्तेमाल करें अपने डॉक्टर की निगरानी में इस्तेमाल करें।